जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी का जो नया वैकेंसी आ रहा है जो कि काफी ज्यादा अभी ट्रेंड में आप लोगों को पता ही होगा, इसमें बहुत ही बड़ा चेंजिंग कर दिया गया है, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और ये बात दोस्तों हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर आप अपने से बोल रहे हैं, ये दोस्तों आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसको अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। बदलाव दोस्तों ये किया गया है कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी नया भर्ती 2023-24 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बदलाव किया गया है दोस्तों योग्यता को लेकर के, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें चेंजिंग किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था वो निकला था 2019 में, ठीक है 2019 में। उस वक्त जो इस पे क्वालिफिकेशन मांग रहा था वो क्या मांग रहा था, 10th के साथ साथ ITI मांग रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा इसके लिए विरोध प्रदर्शन वगैरह हुआ जिसके कारण रेलवे ने इसको हटा दिया ITI को और कहा कि यदि आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये चीज। लेकिन अभी रेलवे ने क्या नया नियम लागू किया है, नया नोटिस जारी किया है, उस पर बताया जा रहा है कि यदि आपका 10th के साथ, ठीक है, यदि आपका 10th के साथ ITI है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 10th के साथ आपने यदि अप्रेंटिस कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आपका सिंपल 10th पास है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों क्या है इस पे नहीं है, सारा A to Z आपको हम नोटिफिकेशन में दिखाना चाहेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों RRB सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपर में एकदम, ठीक है, ऐसे रिबन में चलता हुआ चल रहा है। तो आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं, चलिए उस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाते हैं, इसके बाद उस नोटिस को पढ़ के बताते हैं कि आखिर उस पे है क्या और रेलवे ग्रुप डी का नया वैकेंसी दोस्तों कब आएगा। क्वालिफिकेशन में बदलाव किया जा रहा है, ग्रुप डी को चर्चा में लिया जा रहा है, इसका मतलब ग्रुप डी का वैकेंसी पहले जारी होने वाला है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, तब ना ये सब चीज क्वालिफिकेशन में ये वो चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब ग्रुप डी का वैकेंसी आने को है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन में और उस नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या है उस पे नहीं है, सारा A to Z चलिए देखते हैं फोन के स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आ गए हम गूगल में और सर्च करते हैं RRB सिकंदराबाद, ठीक है। इसको सर्च करने पर दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं क्या होता है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, अब देख सकते हैं RRB सिकंदराबाद का, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको आपको क्रॉस कर देना। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये वाला जो पट्टी दौड़ रहा है, ठीक है, ये जो लाइन दौड़ रहा है इस पर कुछ खास चीज़ें लिखी हुई है जिसको आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, यहीं पर आपका सारा नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों ये वाला जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, अटेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन Level 1 पोस्ट, ठीक है, ये जो चला गया इस पर हम क्लिक करेंगे। पर दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला में देख सकते हैं, हम आपको हिंदी से डाउनलोड करके दिखाते हैं, ठीक है, हिंदी वाला जो दोस्तों नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं। देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों ये वाला इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ध्यान आकर्षण, ठीक है, रेलवे में Level 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में दोस्तों स्पेशल नोटिफिकेशन है। अब दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग पे मैट्रिक्स के Level 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं NCVT द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है, ठीक है, यानी आपका इस पे दो योग्यता है, या तो 10th के साथ साथ आपका अप्रेंटिसशिप जरूरी है या फिर दोस्तों 10th के साथ साथ आपका ITI जरूरी है,
ठीक है, ये दो चीज़ आपका यदि है, दोनों में से कोई एक, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। आगे लिखा है कि हालांकि रेलवे की तकनीकी विभाग में लेवल वन में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/18 एवं RRC 1/19 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जो प्रकाशित अधिसूची था पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारण शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या समकक्ष रखी गई थी, जो कि आप लोगों को बोर्ड में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2018-19 में जो वैकेंसी आया था उसमें दोस्तों आप लोगों को एक बार यहाँ पर छूट दिया गया था कि 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट जो है एक विशेष व्यवस्था थी, एक स्पेशल व्यवस्था था उस समय के लिए। ठीक है, आगे लिखा है तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/18 ये विज्ञापन को बता रहे हैं एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। यानी ये जो था दोस्तों क्वालिफिकेशन वो केवल यही दोनों भर्ती के लिए था, 2/18 के लिए और 1/2019 वाला जो विज्ञापन था उसके लिए। आगे बोल रहा है कि रेलवे में तकनीकी विभागों जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम विभागों एवं अन्य कैटरिंग विभागों में पे मैट्रिक्स के लेवल वन में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना, देखिए, जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC 10वीं उत्तीर्ण होना पड़ेगा या फिर ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। भावी यानी आने वाले जो भविष्य के उम्मीदवार होंगे तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कहा जा रहा है कि यदि आप ऐसी क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप यदि भावी उम्मीदवार हैं यानी भविष्य में यदि ग्रुप डी भरने वाले कैंडिडेट हैं तो आप ऐसा, यदि नहीं है तो आप ऐसा तैयार रखिए तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, तो ये वाला जो नोटिस है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप इसको वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा। और डाउनलोड कैसे करना हम तो आपको बता दिए पूरा प्रोसेस, RRB सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाला गया है। ठीक है, तो यही अपडेट था दोस्तों, सारा अपडेट चैनल पर मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से रेलवे की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी तो हम चैनल पर वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।